विश्व भर में सुनामी की तरह तबाही मचाने वाला कोरोना भारत में तेजी से पैर पसार रहा है। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले एक ही दिन में 32 मामले राजधानी में सामने आए हैं, जिसके बाद दिल्ली मरीजों की संख्या 150 से ज्यादा हो गई है। दिल्ली के 152 केसेस में 32 वो हैं जो तबलीगी जमात के मरकज में शामिल हुए थे। अभी स्थिति कम्युनिटी ट्रांसमिशन में भी नहीं गई है। हमारी नंबर ऑफ डेथ्स भी कंट्रोल में है, नंबर ऑफ पेशेंट्स भी कंट्रोल में है, लेकिन अगर बाय चांस स्थिति खराब होती है, अगर ऐसा कोई समय आता है, आपका कंट्रीब्यूशन किसी भी सिपाही के कंट्रीब्यूशन से कम नहीं है। दिल्ली सरकार ने अपने सभी सिपाहियों के लिए ऐलान किया था कि अगर कोई सिपाही बॉर्डर पे लड़ते हुए शहीद होता है तो दिल्ली सरकार उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देती है। मैं आज ये आपको केवल आपके सम्मान के लिए ऐलान करना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होगा। मैं मेरे इसको वो कि भगवान ना करे ऐसा कोई हो, भगवान ना करे एक भी किसी के ऊपर भी किसी तरह की आंच आए, लेकिन अगर हमारे कोरोना पेशेंट्स की सेवा करते हुए, चाहे कोई सफाई कर्मचारी हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई नर्स हो, चाहे किसी भी कोई भी कर्मचारी, अगर चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकार में हो, कोई भी कर्मचारी अगर कोरोना पेशेंट्स की सेवा करते हुए कोरोना की वजह से शहीद होता है तो उसके परिवार को दिल्ली सरकार 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देगी। मैं समझ सकता हूं कि 1 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं होते। आप लोग जितनी सेवा कर रहे हैं वो शायद 100-200 करोड़ रुपए में भी नहीं नापी जा सकती, लेकिन एक ये पूरे देश की तरफ से एक सम्मान की बात है कि हम आपकी सेवा की कितनी कदर करते हैं। कोरोना के संक्रमण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने 1000 बेड तैयार कर रखे हैं, जबकि स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि अगले 2-3 दिनों में 2000 बेड और तैयार हो जाएंगे। इस बीमारी की चुनौती को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 5 अस्पतालों को सिर्फ इसी संक्रमण से प्रभावित मरीजों के इलाजों में लगा रखा है, जिसमें LNGP हॉस्पिटल, GB पंत हॉस्पिटल, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल और अम्बेडकर हॉस्पिटल शामिल हैं।